नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट है वो अभी जारी किया गया था। इसके साथ ही जो नई वैकेंसियां उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या इसमें चेंजेस हैं और क्या परीक्षा तिथि इसकी रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन आप 10 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं। वहीं इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी 11 अप्रैल 2021 में होगी। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन कराएगा 10 बजे से 12 बजे। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण 2:15 से 4:15 तक रहेगा। तो मुख्य परीक्षा जैसे कि देख सकते हैं, राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन परीक्षा संयुक्त आयोजित की जाती हैं। आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरते समय आपको दोनों जो है एक साथ सिलेक्ट करना है। इनका पेपर एक ही होगा। देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग की जो पोस्ट है उसमें राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर की जो 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो टोटल 27 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक की बात कर लेते हैं, डिप्टी एसपी, तो डीएसपी की बात कर लेते हैं, तो 13 पद 5400 ग्रेड पे में निकाले गए हैं जो कि द्वितीय श्रेणी राजपत्रित हैं। वहीं जिला सेनानी के 1 पद हैं जो कि ओबीसी के लिए है, जिसमें 5400 ग्रेड पे दिखा गया। वहीं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक की जो पोस्ट हैं वो 1 निकाली गई है जो कि ओबीसी के लिए है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की सहायक संचालक की जो पोस्ट हैं 40 पद निकाले गए हैं 5400 ग्रेड पे। सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजक सहकारी जो संस्था हैं उसके 6 पद निकाले गए हैं जो कि 5400 ग्रेड पे। वहीं अधीक्षक जिला जेल उसकी 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, 3 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं राजस्व विभाग की बात कर लेते हैं तो जो तृतीय श्रेणी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं जिसमें नायब तहसीलदार की 38 पोस्ट 3600 ग्रेड पे। वहीं सहकारिता निरीक्षक या सहकारिता विस्तार अधिकारी की बात कर लेते हैं 3600 ग्रेड पे। वित्त विभाग की बात करें तो लेखा सेवा के अधीनस्थ जो हैं 3600 ग्रेड पे की पोस्ट निकाली गई। तो कुल मिला के जो पोस्ट हैं 235 पोस्ट इस बार निकाली गई हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से जो हैं परीक्षा के शहर हैं। तो कुल मिला के 52 जो ज़िले हैं उनमें आप परीक्षा जिला मुख्यालय पर जाकर दे सकते हैं। वहीं आयु सीमा की बात कर लेते हैं, 21 से 40 वर्ष की आयु गैर वर्दीधारी पदों के लिए, वही वर्दीधारी पद हैं वो 33 वर्ष के लिए कर सकते हैं। वहीं एक्सटेंशन भी इसमें SC ST OBC को दिया गया है। यदि आप एक्सटेंशन लेते हैं एज में तो वह लाभ माना जाएगा। यदि आप फॉर्म भरते हैं SC ST OBC या अन्य कैटेगरी से तो वो आरक्षित लाभ नहीं माना जाएगा। और इस प्रकार से जो आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है, जब आप जनरल में क्वालिफाई करते हैं तो आपको जनरल की सीट अलॉट हो जाती है। तो परीक्षा की जो आवेदन फीस है उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। तो देख लेते हैं 250 रुपीज़ का जो प्राइस है वो मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है। वहीं शेष के लिए 500 रुपीज़ इसमें फीस तय की गई है। तो इस प्रकार से जो आवेदन है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आप जरूर ध्यान रखिए 10 फरवरी 2021। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।